सही भाइयों को राम राम। तो भाई बहुत सारे दोस्तों कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर कि आप बैक का वर्कआउट बताओ, बैक का वर्कआउट बताओ और पूरा वर्कआउट बताओ जो आप फॉलो करते हो। तो अभी तक जो मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मेरे कोच साहब करा रहे थे, भैया कुलदीप भैया, वो बहुत एडवांस ट्रेनिंग है। लेकिन आज आपको मैं बेसिक वर्कआउट बताऊंगा जिसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो बिगनर हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे एडवांस लेवल पे हो। बस करना कैसे है वो मैं तरीका आपको बता दूंगा मेरे भाई। प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में करेंगे, 3 से 4 सेट, 12 से 15 रेप करेंगे। और उससे पहले आपको एक ग्रिप की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, जैसे कि आप एक ग्रिप देख सकते हो। ये ग्रिप बहुत जरूरी है क्योंकि इस ग्रिप के बेनिफिट्स क्या है कि आप कोई भी, मान लो आप लेट पुल डाउन कर रहे हो, टी बार बेंट रो आप कर रहे हो, तो आपके रिस्ट के ऊपर नहीं आएगा। कई बार आप वर्कआउट करते हो ना, लेट पुल डाउन कर रहे हो, तो आपके हाथ बहुत जल्दी भर जाते हैं और आप हाथों को छोड़ देते हो। तो ये ग्रिप क्या करेगा, आपकी ग्रिप को ना छोड़ने नहीं देगा, क्योंकि सारा लोड आपके हाथों पे ऊपर ना आके, उंगलियों पे ना आके, ये ग्रिप के ऊपर रहेगा, जिससे हम 8 से 10 रैप एक्स्ट्रा मार पाओगे और आपके फोर आर्म्स भी नहीं भरेंगे मेरे भाई, और आप बैक अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। तो ये मंगा लेना, ज्यादा महंगा नहीं आता, अमेजोन वगैरह में मिल जाएगा आपको 1200-1500 रुपये का मेरे भाई, ठीक है। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ना, मैं इसका लिंक डाल रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। सिर्फ मैं आपको, आपका वर्कआउट अच्छा हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। आप इससे सुरक्षा वगैरह बहुत सारी वर्कआउट्स कर सकते हो, जिससे आपकी ग्रिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फोर आर्म्स आपके नहीं भरेंगे मेरे भाई। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूँ। और दूसरी बारी आती है बेल्ट की। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स ये भी आते हैं कि भैया बैक में इंजरी हो गई है। बैक में इंजरी तभी होती है जब आप बैक को लूज छोड़ते हो, रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं करते, झटका मारते हो, ठीक है। तो एक बेल्ट भी खरीद लेना 1200-1500 की, आप यार रेगुलर जिम जाते हो, है ना। तो क्या होता है कि जब आप जिम जा रहे हो रेगुलर, तो अपनी चीजें अपने पास रखो, क्या दिक्कत है। पानी की बोतल होगी, ये सारी चीजें कैरी करके रखनी चाहिए एथलीट को। और अगर आप ट्रेनिंग के बीच में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है बहुत सारी, तो आप चॉकलेट वगैरह, मेरे भाई ये सारी चीज आपको रखनी चाहिए। और एक पीनट बटर है, जैसे कि आप एल्पिनो का देख सकते हो, डार्क चॉकलेट। ट्रेनिंग के बीच में अगर एनर्जी आपकी लो हो रही है, आपका वर्कआउट ना छूटे, इसके लिए आप बीसीए, ईडबल कुछ भी यूज कर सकते हो। आप ये एल्पिनो का पीनट बटर भी यूज कर सकते हो, अपना एक चम्मच आप खाओगे ना तो आपका ग्लाइकोजन फिल हो जाएगा और आपका अच्छा खासा वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। तो ये सारी चीजें भाई कैरी कर लेना, आपके फायदे की चीज है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम फटाफट वर्कआउट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये ग्रिप्स है देखो, यहाँ पे आएगी जिससे मैं अपना वर्कआउट अच्छा कर पाऊंगा भाई। बस इसको लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे तो है ऑलरेडी। तो दो वर्कआउट है इसमें, देखने वाली बात है। आप देखना लेट पुल डाउन और फिर लेट पुल डाउन क्लोज, दोनों साथ में करेंगे। अब करेंगे क्लोज ग्रिप, चेस्ट टैग लेके आना है, स्क्वीज पूरे ऊपर पुल करोगे तो पीछे और ऊपर जा रहा है पुश। पुल करना है तो खींच के लाना है यहाँ। तो भाई वर्कआउट बहुत बढ़िया है, देख रहे हो आप। जब फेलियर रैप तक मार रहे हैं, जब आपकी ऐसी ग्रिप होगी ना तो आपको बहुत मजा आएगा और ट्रेनिंग भी आपकी अच्छी होगी। तो एक ग्रिप मंगा लेना, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। 3 से 4 सेट करने, लेट पुल डाउन फिर क्लोज ग्रिप, दोनों साथ में करिए। मैंने जैसे आपने देखा होगा फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ 3 सेट कर लेना, 12 से 15 रैप फेलियर, अपने वेट के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वेट सेट कर लेना। और कोशिश करना कि हर सेट में एक प्लेट बढ़ाओ और एक दो रैप भी बढ़ाओ। तो जैसे कि आपने वर्कआउट, दो तो वर्कआउट देख लिया आपने, लेट पुल डाउन और क्लोज ग्रिप। थर्ड एक्सरसाइज मेरी टी बार, ये आपके लोअर बैक के लिए और डेंसिटी के लिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सरसाइज है। 15 से 12 रैप ये ट्रेनिंग कर सकते हो। जब मैं ऑफ सीजन पे होता हूँ तो बहुत हैवी वेट होता है भाई, लेकिन अभी मैं कटिंग पे चल रहा हूँ, जैसे वो पता गेम पास में बॉडी वाटर नहीं है तो इंजरी वगैरह हो सकती है, इसलिए मैंने सिर्फ 3 प्लेट लगाई 30 किलो। तो आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना और रेस्ट टाइम आपका 25 से 30 सेकंड का रहेगा, ठीक है। और 3 से 4 सेट 12 से 15 रैप चलेंगे, बस
रेंज ऑफ मोशन सही होना चाहिए आपका और फील कर रहे हैं प्रॉपर मसल को। बॉडी स्टेबल रहेगी। बीस रैप आ गए भाई, वेट थोड़ा लाइट था, सोचा 15 के बाद छोड़ दूं, लेकिन लगा 5 और आ जाएंगे, तो ऐसे ही चीटिंग नहीं करनी है। पहले आपका मसल थकेगा, लोग क्या माइंड बाद में थकेगा, ध्यान रखना, पहले माइंड को मत थका लेना, नहीं तो मसल पे लोड ही नहीं आएगा भाई। तो ये आपकी 4th एक्सरसाइज है, हाइपर रोइंग, ठीक है, हमने तो यही बोलते हैं, बाकी आप देख लेना गूगल पे करके, अगर भाई नाम गलत हो तो गाली मत बकना, ठीक है। और लोअर लेट्स के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है मेरे भाई, मैं करता हूँ काफ़ी, और इससे आपका अगर बैक इंजरी वगैरह भी है ना वो भी ठीक हो जाएगी और बैक आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, तो लोअर की डेंसिटी के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसा तो पूरे ओवरऑल बैक को कवर करती है, आप करना फेलियर तक, ठीक है। तो ये हाइपर तो हर जगह होता है जिम में, आपके पास भी मिल जाएगा, सर में रोटेट को ना स्ट्रेच करना है, बॉडी को थोड़ा सा मूव करना है ऊपर, बस यहाँ लॉक कर देना है, फील करना है स्लो लेके आओ और होल्ड 10 से 12 रेप। एक्सरसाइज है, बैग बिल्कुल ऐसे भर गई है, कोबरा बैग निकलेगी, लास्ट में दिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना, लास्ट में पूरी बैग की कंडीशन दिखाऊंगा और बॉडी की। 3 से 4 सेट, 12 से 15 रेप, 4 एक्सरसाइज हो गई है, ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। 5वीं आप डेड लिफ्ट कर सकते हो या रैक पुल कर सकते हो, 3 से 4 सेट, बैक का वर्कआउट कवर, उसके बाद हाइपर कर लेना 3 से 4 सेट, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ, अभी जाना नहीं, दिखाऊंगा करके। तो फाइनली ये लास्ट वर्कआउट है डेडलिफ्ट का, 5 एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी, 3 से 4 सेट, 15 से 20 रैप लगा लेना, 10-12 भी चलेंगे। और भाई लोअर बैक आपको पता ही है, डेडलिफ्ट की बेनिफिट्स, आपकी ग्रिप स्ट्रांग होती है, आप ज़्यादा ज़्यादा वेट कैरी कर पाओगे किसी भी ट्रेनिंग में, आप बाइसेप्स मार रहे हो, आप चेस्ट कर रहे हो, तो आपकी ग्रिप तो स्ट्रांग होगी होगी, साथ में आपकी बैक की डेंसिटी भी बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ये, तो इसको जरूर करना, अवॉइड मत करना मेरे भाई, चाहे लाइट वेट से करना, करना जरूर, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, फिर कंप्लीट करते हैं, आ जाओ। तो मैं ऊपर से उठा रहा हूँ, नीचे से मैं इसलिए उठा रहा हूँ, मेरे बैक में ऑलरेडी थोड़ी सी इंजरी थी, ठीक हो गई है भगवान की कृपा से, लेकिन दोबारा ना हो जाए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा गेम पास में, तो मैं ऊपर से उठा रहा हूँ, आपको नीचे से ही पुल करना है, ठीक है। श्री राधे। ऊपर नहीं रखना, और मैं आपने देखा होगा मैंने 6-7 रैप ही मारे, 10-12 नहीं मारे, ये सिर्फ मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, मैं इसकी जगह पे रैक पुल करता हूँ जिससे मेरी बैक पे पुल होता है। तो भाई फाइनली हो गया अपना वर्कआउट कंप्लीट मेरे भाई, ये बात आती है रिकवरी की, तो ये मेरा स्टैक है, आप जैसे कि देख सकते हो बिग मसल का पूरा स्टैक मेरा ये पड़ा हुआ है, अभी आया है मेरे भाई प्री वर्कआउट फ्रिक EAA प्रोटीन, और मैं रिकवरी में ले रहा हूँ अभी नाइट्रा एज, जिसकी एक सर्विंग में मुझे 32 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है, 12 ग्राम EAA, 3 ग्राम क्रिएटिन, 0 शुगर है, जो हेल्प करता है मेरी मसल रिकवरी को, ठीक है, फास्ट रिकवरी को। तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अभी दिवाली की सेल चल रही है बिग मसल पे मेरे भाई, तो आप जाके आप जो भी चीज़ परचेज करोगे ना, आपको 35% तक डिस्काउंट ऑल प्रोडक्ट के ऊपर आपको 35% डिस्काउंट मिलता है बिग मसल की वेबसाइट पर, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो।
थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है, और दोस्तों को फॉलो कर दो। ये वीडियोस जो भी है ना बाय बैक की काफी काम आएगी बिगनर्स के लिए भी, जिनके पास कोच नहीं है, ट्रेनर नहीं है, उस ट्रेनिंग को फॉलो करके भाई अच्छी खासी मतलब ग्रोथ कर लेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जय हिंद जय भारत।